नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जेडे इस्लामिया कॉलेज के प्रचार्ज के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि इस कॉलेज परिसर में एक साथ छात्र छात्राएं नहीं बैठेंगे और न ही किसी तरह का हंसी मजाक करेंगे, और अगर इस तरह के पाए जाते हैं तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने पत्र में कहा है कि धारा 29 और 30 के तहत यह जो कॉलेज है अल्पसंख्यक कॉलेज है। आपको बता दें कि जेडे इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा जो पत्र जारी किया गया, इसके बाद से फ़ोन पे जब बातचीत की गई है, जो तुगलकी पत्र है, उसके बाद उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ मिस्टेक से इसमें गलती हो गया है। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं प्रिंसिपल को, आखिर ये गलती उनसे क्यों हो गई। शुभ नाम बता दीजिए। और एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि लड़का और लड़की छात्र छात्राओं को अगर एक साथ कैंपस कॉलेज कैंपस में देखा जाता है बैठे या गपशप करते तो उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनकी नामांकन रद्द करते हुए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस आलम है। ये आप जो ये कर रहे हैं, एक्चुअली कॉलेज में कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट जो बदमाश टाइप का है वो किसी तरह से घुस जाता है और बच्चियों के साथ छेड़खानी भी करता है, और बच्चे के साथ एक साथ बैठ कर वो लोग जो गपशप कर जो ये नोटिस टाइप का निकाले और उसमें आर्टिकल वगैरह गलती वश लिखा गया है। अदरवाइज हम लोग का कोई इंटेंशन इस तरह का नहीं था कि हम जो आर्टिकल को ही ऐड करें या जो हम लोग अपना ध्वज जमाएं, समझे ना। सिर्फ बच्चे को डराने के लिए ही हम लोग जो इस तरह से किए थे ताकि बाहरी एलिमेंट ना आए। तो आज हम लोग जो है पुलिस प्रशासन को भी लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पर गेट के पास एक दुकान वगैरह है, वहाँ सिगरेट वगैरह भी बच्चे पीते हैं और बेड एलिमेंट आकर वहीं जमवाड़ा लगाते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए हम लोग आज प्रशासन को एक लेटर दे रहे हैं। समझे ना, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ से जो है इन लोगों को ये खदेड़ा जाए। और इस तरह की जो बात जो आप लेटर वाली बात कर रहे हैं, इसमें किसी तरह थोड़ा सा ये करने के लिए कि डिसिप्लिन में रहे और ये लोग क्लास करें, बाहर इधर उधर जो है ये नहीं करें, मतलब टाइम को जाया मत करें और पढ़ाई में ध्यान लगाए। और एक चीज़ ये भी है कि लड़कियां भी जो है बाहर से जो देहात से जो आती है, हमको लगता है उसका भी मिली भगत है। अदरवाइज लड़के जो है यहाँ आकर उनसे बैठ के क्यों बात करेगा बाहरी लड़का। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने ये ऐसा किया था, लेकिन ये आर्टिकल वगैरह गलतीवश जो है छपा ये लिखा गया है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सर, एक चीज़ और है इसमें कि कुछ दिन पहले जो स्कूल कॉलेज के बाहर लड़कियों का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, उसको देखते हुए जारी किया गया क्या? जी जी हाँ, उसी को देखते हुए जारी किया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सर, यह इसमें जिक्र किया गया कि सिर्फ ये अल्पसंख्यक कॉलेज है, तो क्या इसमें इस तरह का फरमान जारी करना नहीं लगता कि नहीं, ये कैसे उचित है सर? बिल्कुल उचित नहीं है। हम मानते हैं इस चीज़ को कि ये गलती वश लिखा गया है। वो जो है लिखे एक इसको बोले थे तो वो जो लिख के लाया, हम हड़बड़ी में थे, साइन कर दिए, पढ़े नहीं उसको। हम पढ़ लेते तो फिर इस तरह की गलती नहीं होती है ना। तो इस चीज़ को हम मान रहे हैं कि ये इस तरह का जो है हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कोई फरमान जारी नहीं करता है। हम बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को हम कुछ सिखाना चाहते हैं। हमारे टीचर बोनाफाइड टीचर्स हैं, वो रात दिन लगे रहते हैं बच्चों का करियर को बनाने के लिए, और हमारे यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, सब कॉलेज से अच्छा रिजल्ट होता है। हम यहाँ से टॉपर स्टूडेंट्स भी देते हैं, और ये भी देखा जा सकता है, कंपेयर आप कर सकते हैं कि यहाँ के बगल के कॉलेज से हमारे यहाँ 100% क्लासेस होता है, बच्चियाँ भी आती आता है, क्लास करते हैं। ठीक है।